एसआईएस के एक्टिव मेंबर मोहसिन अहमद को दिल्ली के पटियाला कोर्ट में पेश किया गया है। आपको बता दें कि मोहसिन को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रविवार को बाटला हाउस इलाके से गिरफ्तार किया था। उसके पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। इधर मोहसिन की गिरफ्तारी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान ने मोहसिन का बचाव किया। आपको बता दें कि अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट कर कहा कि मोहसिन की गिरफ्तारी असंवैधानिक है और आईएसआईएस के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करने का बीजेपी और आरएसएस का नया फंडा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।